गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर तबस्सुम फारूकी। ये मेरा सेकेंड वीडियो है, जिन्होंने फर्स्ट नहीं देखा मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि फर्स्ट वीडियो भी देखें। ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर होगा बिगिनर्स के लिए या जो अभी BHMS कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाई आई हैव नेम्ड दिस होल सीरीज एज फॉर क्लासमेट्स, होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी फॉर क्लासमेट्स। तो बेसिकली हम अभी थोड़ी पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी रिवाइज करेंगे एंड देन विल गो टू इट्स अप्लाइड पार्ट, देन विल डिस्कस अ कपल ऑफ केसेस रिलेवेंट टू व्हाट वी हैव स्टडीड। और क्योंकि सीजन अभी लाइक पल्मोनरी क्राइसिस हो रही है दिस कोरोना वायरस, सो ये फ्रेश भी रहेगा, बहुत सारे लोगों ने इसे रिवाइज भी किया होगा। एक बार हम फिर से इसे रिवाइज करते हैं, लेट्स स्टडी पल्मोनोलॉजी अ लिटिल बिट। सो व्हाट इज़ पल्मोनरी इन्फेक्शन, व्हाट इज़ निमोनिया? इट इज़ बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। सो वी हैव डिवाइडेड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हमने इसे डिवाइड किया है टिपिकल और एटिपिकल में। सो व्हाट इज़ टिपिकल निमोनिया एंड व्हाट इज़ एटिपिकल निमोनिया? टू एक्सप्लेन इट विल टेक हेल्प ऑफ अ डायग्राम विच इज़ इन रॉबिन्स पैथोलॉजी। सो लेट अस स्टडी। सो एज यू कैन सी दिस इज आवर ब्लड वेसल, ये एल्वियोलाई है एंड दीज आर इन्फ्लेमेटरी सेल्स। एज वी ऑल नो मैक्रोफेजेस यूजली रहते हैं नॉर्मली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। दे आर वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म विच गार्ड आर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस सच एज दिस ट्रैकियो ब्रोंकियल क्लियरेंस, नेजल क्लियरेंस, एल्वियोलर क्लियरेंस। ये सभी डिफेंस मैकेनिज्म जब ब्रेक होते हैं तो वी सफ़र। एंड बेसिकली निमोनिया इज़ नथिंग बट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी। तो अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म है तो हमको वेंटिलेटर तक ये कैसे पहुंचा देता है? लेट्स लर्न इट। सो दिस इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन, एज यू कैन सी ये दो फेजेस में यहाँ एक्सप्लेन हुआ है। फर्स्टली ये है नॉन इम्यूनाइज्ड लंग्स, मतलब ये फर्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन एंटर होता है बॉडी में तो व्हाट ऑल थिंग हैपेंस एंड व्हाट ऑल थिंग्स मे हैपन। और ये सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करता है जब आप इम्यूनाइज्ड हो गए हैं, एक बार आपने एनकाउंटर किया इस पर्टिकुलर पैथोजन को और आपकी इम्यूनिटी क्रिएट हो गई, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन इट अटैक्स यू व्हाट हैपेंस। सो एज वी कैन सी ये यूजली जो टिपिकल निमोनिया है यूजली बैक्टीरियल होता है और एटिपिकल निमोनिया यूजली वायरल होता है। सो लेट अस स्टडी व्हाट इज़ टिपिकल निमोनिया। हियर जितना भी डिस्ट्रक्शन डैमेज होगा वो इंट्रा एल्वियोलर होता है। और एज वी ऑल नो पेशेंट फीवर और कफ जैसे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, हम स्टेथो रखते हैं तो दिल बी एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड्स विच वी कैन हियर। सो व्हाट हैपन हियर इज इनिशियली जब बैक्टीरिया एंटर होता है यूजली जो मैक्रोफेजेस रहते हैं तो वो उस बैक्टीरिया को एंगल्फ करते हैं। लाइक वाइज दीज मैक्रोफेजेस रिलीज सर्टेन इंटरल्यूकिंस, ये इंटरल्यूकिंस वापस और हेल्प कॉल करते हैं, दे एंटर द सर्कुलेशन एंड रिलीज सर्टेन कीमोटैक्टिक फैक्टर्स जो न्यूट्रोफिल्स को वहाँ उस साइट पे इनवाइट करते हैं, एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ दिस बैक्टीरिया पैथोजन इज प्रेजेंटेड टू लिम्फ नोड। यहाँ ये लिम्फ नोड ये हायर लेबोरेटरी की तरह ये वर्क करता है। जो भी पैथोजन है जब यहाँ प्रेजेंट होता है तो उसकी स्टडी होती है, सच एज कि बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन से प्रोटीन्स हैं उसके सर्फेस पे, वो बेसिकली कैसा वर्क करता है और इसके अगेंस्ट कौन सी लाइक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिकोडिंग हो रही होती है। मीनवाइल जो हमारा ये जो एक्यूट अटैक है इसको भी डील करना है। सो मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिंस रिलीज करके न्यूट्रोफिल्स वगैरह को कॉल करता है, वेरियस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होते हैं 3A 3B। लाइकवाइज ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये कॉम्प्लीमेंट्स जाके अटैच होते हैं बैक्टीरिया को और फिर ये प्रेजेंट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को, न्यूट्रोफिल्स इन्हें एंगल्फ करते हैं एंड देन लाइज करते हैं। मीन वाइल न्यूट्रोफिल्स ऑल्सो रिलीज अ सर्टेन एक्टिव ऑक्सीडेंट्स प्रोटीज, ये प्रोटीज वगैरह
while harming these pathogens, they harm our own cell as well. So basically ये जो mechanism है, for the sake of understanding, हम चार stages में पढ़ेंगे, specially the stage of congestion. यहाँ actually होता क्या है, as the bacteria enters and first interaction occur, there'll be vasodilatation, obvious है जो हमने inflammation में पढ़ा था, so that neutrophil sweeps in to the picture and there'll be little bit of edema and all thing happens. Then the second stage come, that is red hepatization. इसे hepatization इसलिए कहते हैं, usually जो liver की consistency होती है as compared to lungs, it is little firmer. तो क्योंकि यहाँ पे exudates वगैरह cellular infiltrations हो गए, it is no more a vacant place now. अब ये fill हो चुका है, तो यहाँ थोड़ी firmness आ चुकी है, तो वो थोड़ी reddish लिवर लाइक कंसिस्टेंसी एक्वायर कर लेती है लंग्स. तो जब हम वो स्पेसिमिन स्टडी करते हैं तो वो लिवर लाइक लगता है, दैट इज़ वाई द स्टेज इज कॉल्ड रेड हेपेटाइजेशन. नाउ वॉट हैपन्स इज ड्यू टू लाइक फाइट बिटवीन दिस पैथोजन एंड आर डिफेंस सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, लाइसिस ऑफ रेड सेल एंड ऑल अकर एंड इट एक्वायर्स ग्रे कलर. सो द नेक्स्ट स्टेज इज नेम्ड एज ग्रे हेपेटाइजेशन. So after grey hepatization, if the patient is lucky, it'll end into resolution. Otherwise, ये abscess में भी तब्दील हो सकता है, empyema भी form हो सकता है. ये empyema abscess क्या होता है, we'll study in coming lectures. Right now इसे बहुत ही simplified form में बस मुझे present करना है कि हम थोड़ा revise कर लें, थोड़ा समझ लें. So जब resolution होता है तो यहाँ पे जितने भी जैसे न्यूट्रोफिल्स, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स वगैरह, ऑक्साइड्स, प्रोटीज, ये सारे एंजाइम्स रिलीज करके यहाँ काफ़ी डैमेज हो चुका होता है. एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है, एंडोथीलियम डैमेज हो जाता है, यहाँ कंजेशन हो जाता है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती है. सो ऑब्वियसली डिजनिया, सफोकेशन, कफिंग, ये सारे सिम्टम्स मतलब फिजिकल लेवल पर मिलेंगे और माइक्रोस्कोपिकली हमें ये सब देखना है. सो ये सारे एज वी नो ये सब प्रोसेस है इस पैथोजन को लाइस करने के लिए. मीन वाइल हमारी एल्वियोला और एंडोथीलियम ये सब भी डैमेज होती है. देन द स्टेज ऑफ रिकवरी कम्स, वहाँ पे वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स भी जो हमारे WBCs हैं वो रिलीज़ करते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंस में लॉट ऑफ कोलेजन एंड फाइब्रिन ये सब यहाँ आके डिपॉजिट हो जाते हैं. और जब ये डिपॉजिशन होता है तो इसका जो एल्वियोलाई का मेन फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज का, वो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. तो दिस थिंग हैज़ टू बी ऑब्जर्व. और ये स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन में होता है, फिर मैक्रोफेजेस आके ये सारे फाइब्रिन, डेब्रिस, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो ये एक नॉन इम्यूनाइज्ड बॉडी की स्टोरी है. नाउ अब इसे हमें, इस पैथोजन को हमने कॉम्बैट किया है, अब क्या होगा जब सेकेंड टाइम ये वापस एनवायरनमेंट में आएगा, ये वापस हमारी बॉडी में आएगा, देन व्हाट हैपेंस. तो नाउ वी मूव टू इम्यून लंग. तो यहाँ पे हमारे लिम्फ नोड ने काम कर दिया है, इसे रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी स्पेसिफिकली प्रोड्यूस कर ली है. यूजली नॉर्मली भी हमारी जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग होती है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होती है. तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब ये पैथोजन एंटर होगा तो आर बॉडी ऑलरेडी नो कि ये फेलो डेंजरस है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ हिम. सो एंटीबॉडी ए कमिंग टू द पिक्चर एंड दे लाइक प्रिवेंट्स इट्स एडिशन टू द एंडोथीलियम. तो इसकी बाइंडिंग साइट पे एंटी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एंटीबॉडी ए जो है वो अटैच हो गई है. प्लस हमारी जो बी सेल्स हैं उन्होंने भी एक्टिवली जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम प्रोड्यूस की है, सो दैट इसको पूरी तरह से कवर कर लें. और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन. इस पूरे बैक्टीरिया को एनवलप करके लाइक सोल्जर्स इसको पकड़ के किंग के पास लेकर आए, और ये जो हमारा WBC है इसको एंगल्फ किया, इसको लाइज किया. तो ये सारी प्रोसेस जो है ये ऑर्गेनाइज और इजी हो गई. यहाँ हे वाया जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिलीज करके उसे कॉम्बैट किया गया था, यहाँ वो चीज़ें बहुत नीटली और ऑर्गेनाइज वे में हो रही है. और
ना इतनी, मतलब नेक्स्ट टाइम जब वो होगा तो इतना वॉयलेंट वो चीज़ें नहीं होंगी. सो नाउ गो टू द सेकेंड पार्ट. अगर हम सो नाउ व्हाट इज ए टिपिकल निमोनिया वी आर गोइंग टू सी. सो ये एक दूसरे डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ दिस इज एल्वियोलाई, ये एंडोथीलियम है, हमारी कैपिलरी है. दिस इज़ टाइप टू न्यूमोसाइट, दिस इज अगेन एल्वियोलर सेल न्यूमोसाइट. सो पैथोजन एंटर्स द एल्वियोलाई, तो ये दो चीज़ें करेगा, आइदर इट डिस्ट्रॉय द एंडोथीलियम और इट एंटर्स इन टू द एंडोथीलियम एंड रेप्लीकेट इट सेल्फ एंड एंटर इंटरस्टीशियल स्पेस. यूजली जो बैक्टीरिया रहते हैं वो दे डिस्ट्रॉय द एंडोथीलियम एंड दे कॉज टिपिकल निमोनिया. एंड वायरसेस जो रहते हैं वो एंटर होते हैं एंडोथीलियम में, दे रेप्लीकेट देम सेल्फ एंड एंटर इन टू इंटरस्टीशियल स्पेस. तो यूजली जितने भी वायरसेस रहते हैं, सार्क कोविड कैटेगरी के जितने भी वायरसेस रहते हैं, दे कॉज इंटरस्टीशियल निमोनिया. और पैथोलॉजी इज ऑलमोस्ट सेम, जो भी यहाँ होती है वो यहाँ होते सीरीज ऑफ एक्शन. सपोज ये वायरस है एंड दे आर मैक्रोफेजेस सिटिंग हियर, मैक्रोफेजेस कम टू दिस वायरस एंड अटैच इट्सेल्फ टू वायरस एंड देन इट रिलीजेस इंटरल्यूकिंस कॉल फॉर टी हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स, दे कम इन टू द पिक्चर और फिर ये रिलीज करते हैं सर्टेन इंटरल्यूकिंस, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स, जो फर्दर ये जो प्रोसेस रहती है, इसीलिए हम इसे डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं. क्योंकि वायरस जितनी इंजरी नहीं कर रहा है उतनी हमारी डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इंजर कर रही है. वायरस को कॉम्बैक्ट करने के लिए प्रोटीएज, लाइपेज, ऐसे एंजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं. तो ये साथ साथ वायरस को लाइज करने के हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जो प्रोटीन्स हैं, उनको भी लाइज कर रहा है. फिर आफ्टर दिस लाइसिस, एज वी ऑल नो, फाइब्रोसिस अकर्स. यहाँ फाइब्रोब्लास्ट कम इन टू द पिक्चर्स, देन कोलेजन्स आर फॉर्म, फाइब्रिन आर फॉर्म. तो ये जो स्पेस होती है ये डेड स्पेस में कन्वर्ट हो जाती है. अब यहाँ गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी. यूजली इसे अगर समझना है तो जो भी वायरल प्रोसेस होती है वो एक आइसबर्ग फिनोमिना की तरह होती है. साइंस सिम्टम्स उतने मतलब पहले डेवलप नहीं होते, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो चुका होता है. जब डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका होता है उसके बाद ये साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं. दैट इज़ वाई दिस वायरल थिंग इज़ वेरी टॉक्सिक एंड लाइक वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्बैट एंड कंट्रोल. सो ये बेसिक बेसिक लाइट्स डिफरेंस हमने देखा है दो पैथोलॉजीज के बीच में. और अब हम पल्मोनोलॉजी के मेरे दो केसेस है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड देन विल बी फिनिशिंग दिस लेक्चर ऑफ टुडे. और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आस्थमा हम पढ़ेंगे, व्हाट इट इज़, मैकेनिज्म बिहाइंड इट एंड रिलेवेंट केसेस जो भी हमने देखे हैं. अभी मैं कुछ केसेस डिस्कस करती हूँ जो पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड हैं. ये स्पेसिफिकली निमोनिया के केसेस नहीं हैं, बट स्टिल इट विल हेल्प यू टू नो. और उसे शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस वन मोर थिंग कि इन ए टिपिकल निमोनिया, इफ़ अ बॉडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, देन वाई डू लाइक फिजिशियन प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इट. तो वह होता क्या है कि बेसिकली जब भी कोई वायरल इन्वेजन होता है, टी लिम्फोसाइट्स एंड अदर सेल्स आर इन्वॉल्व इन कॉम्बैटिंग दिस थिंग. मीनवाइल जो डिफेंस मैकेनिज्म, जो म्यूकस क्लियरिंग मैकेनिज्म है, ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज रहता है. तो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं वो उन्हें फ्लेयर अप करने का चांस मिल जाता है. सो जनरल फिजिशियन यूजली एंटीबायोटिक्स देते हैं सो दैट वो इस चीज़ को रोक के रखे. मीनवाइल जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो इसको डील करे. अलोंग विद इट विटामिन सी इज़ वेरी पॉपुलर नाउडेज. व्हाट डज विटामिन सी डू, ये एक सेपरेट टॉपिक है डिस्कस करने को. बट स्टिल ये कोलेजन सिंथेसिस और
एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो रिलीज होते हैं और जो फर्दर डैमेज करते हैं प्रोटीन को, उन सब को ये कंट्रोल करता है. सो दिस इज़ इट. सो नाउ स्टार्ट. ये केस 2 साल, तकरीबन 2 साल पुराना है. दिस इज़ अ केस ऑफ एन ओल्ड लेडी. शी केम टू मी विथ हर फ्रेंड, हाँ कुछ रिलेटिव के साथ वो आई थी. एंड हर मेन प्रॉब्लम वाज सिंस लास्ट 3 to 4 days उनकी कफिंग बहुत सिवियर हो गई थी. शी कुड नॉट स्लीप एट नाइट और ऑन अकाउंट ऑफ कफिंग, कफिंग के वजह से उठ उठ जाती थी रात में. और शी हैड फीवर व्हेन शी केम टू मी, 101 degree Fahrenheit. एंड शी ऑल्सो हैड अदर सिम्टम. ये कफिंग यूजली 2 महीने से इनको थी और जब स्टार्ट हुई थी तो 2 पेरोक्सिस्म में लगातार आती थी. शी हैड फीवर, शी हैज़ बॉडी एक. यूजली व्हेन अ केस कम्स टू मी, जितनी भी आपकी उनकी कंप्लेन रहती है वो सब मैं नोट करती हूँ. उनके वो पूरे बॉडी में पेन था. ये सारे फ्लू के सिम्टम्स है यूजली. खाने का बिल्कुल वो नहीं, इच्छा नहीं होती थी. शी वो भी कॉन्स्टिपेटेड, ये क्रॉनिक था. फिर यूरिन वाज नॉर्मल और लेग्स में उनके क्रैम्प रहते थे अबाउट जनरल. यूजली उनको हंगर टॉलरेट नहीं होता था, पर भी सिंस फ्यू डेज शी, मतलब उनको पूरे लैक ऑफ एपेटाइट था. शी वॉज कैकेटिक, मतलब बहुत पतली दुबली बोनी सी थी वो. शी वॉज थर्स्टी, थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा पानी पीती थी. बोलती हमारा गला बहुत जल्दी जल्दी सूखता था. शी वॉज हॉट, और यूजली जब थर्मल कन्फर्म करने होते हैं तो उनके पाम पे इस तरह से हाथ रख के यूजली चेक करते हैं वेदर इट इज़ ड्राई, वेदर इट इज़ क्लेमी कोल्ड और वेदर इट इज़ वॉर्म. तो ये हमें हेल्प करता है थर्मल जो है हमारा उसको एकदम स्पेसिफाई कर देता है. पसीना बहुत आता था. शी सेड कि पूरे हम भीग जाते पसीने में. और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. वो ज़्यादा बोल नहीं रही थी. शी वॉज़ वेरी नॉट वॉन्टिंग टू आंसर. मोनोसिलेबिक वर्ड में आंसर दिया. और जितना भी ये सब कुछ है ज़्यादातर जो उनके अटेंडेंट थे उन्होंने ही बताया था. ओडर इंटॉलरेंट था. दिस इज़ वॉट थोड़ा बहुत विच आई कुड गैदर फ्रॉम दिस केस. एंड उनका फर्स्ट लुक जो था, देर वॉज लॉट ऑफ फ्रॉनिंग ऑन हर फेस, अमोनियाकल. मुझे लगा आई शुड गिव हर अमोनियम. शी वॉज रियली नॉट वॉन्टिंग टू आंसर. बहुत बिटर लुक था उनके चेहरे का. सो ऑन एग्जामिनेशन पार्ट व्हेन आई हैव पुट द स्टेथो ऑन हर चेस्ट, बहुत वीजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी. और बात भी ज़्यादा इसलिए नहीं कर पा रही थी कि खांसी उनको काफ़ी आ रही थी. मिडिल अपर मतलब राइट लंग में पूरी तरह से वीजिंग काफ़ी चल रही थी. एंड शी वेंट टू GP पता नहीं कब, कुछ टाइम पहले तक. व्हेन शी केम टू मी, वो इन ड्रग्स पे ऑलरेडी थी. डोम पेरीडोम, TDS, सिनाराजाइम, टॉरजाइम, न्यूरोकाम. आई डिंट नो अबाउट दीज टू थिंग्स. बाद में मैंने स्टडी किया तो नोजिया वॉमिटिंग इन सब चीज़ों में देते थे. इसकी रिलेवेंस कुछ मुझे समझ में नहीं आई. फर्स्ट व्हाट आई डिड वाज टू आई आस्क हर टू स्टॉप दिस मेडिसिन. उसके बाद में क्योंकि वीजिंग बहुत एविडेंट थी और ये अक्यूट बहुत अक्यूट केस था, तो फॉलोअप्स यूजली जब भी मुझे वीजिंग मिलती है एग्जामिनेशन में, ऑस्कल टेशन में, तो फॉलोअप्स मैं बहुत फ्रीक्वेंट रखती हूँ. उनको रिपोर्ट शाम को भी करनी होती है बिफोर स्लीपिंग, और फिर अगले दिन अगर पॉसिबल है तो आके बताएं, नहीं तो फ़ोन पे कॉन्टिन्यूस फॉलोअप में रहने का उनको रहता है क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी डिटीरियोरेट होती हैं. तो आई मेक श्योर कि ये चीज़ें रहे, चीज़ें हाथ से नहीं जानी चाहिए. सो नेक्स्ट डे शी केम टू मी विद अ फॉलो अप ऑफ हर स्लीप वॉज नॉर्मल. तो अब पहली चीज़ मुझे ये मिली, पहला क्वेश्चन ही मेरा ये रहता है कि नींद कैसी थी. अगर स्लीप नॉर्मल है दैट मीन्स कि कफिंग वगैरह उनकी काफ़ी बेटर हुई होगी. तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर स्लीप उनकी नॉर्मल है तो मैं उसको ठीक फॉलोअप मान रही हूँ, दैट माई रेमेडी इज़ राइट. एक्टिविटी इज़ ऑल्सो शी सेड कि एक दिन में शी वॉज़ बेटर देन वॉट शी वॉज़.
एपेटाइट भी लिटिल इम्प्रूव, खाने के लिए कुछ कुछ उन्होंने स्टार्ट किया था। उन कॉन्स्टिपेटेड रहते थे बट देन शी सेड कि शी हैज़ पास स्टूल। तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और क्रैम्प्स वगैरह जो था वो था ही। फिर मैंने एग्जामिन किया तो वीजिंग थी बट इंटेंसिटी वाइज वो थोड़ी रिड्यूस हुई थी, एंड कफिंग थी बट द डिफरेंस वाज कि शी सेड कि गले में अब खरखर रहता है करके, मतलब वैसी इंटेंसिटी वाइज नहीं रहती कफिंग। देन ऑन 25th आई हैव कॉल्ड हर अगेन, फिर 50% वो बेटर हो चुकी थी। शी सेड कफिंग वगैरह चली गई थी, ओकेशनली आती थी। स्लीप वॉज नॉर्मल, एपेटाइट वॉज नॉर्मल, शी वॉज पासिंग स्टूल नॉर्मली एंड यूरिन वॉज नॉर्मल। सो द प्रिस्क्रिप्शन पार्ट, इफ एनी वन वॉन्ट्स टू गेस दे कैन गेस, बट मैंने ये इस बार छुपाया नहीं है। एनी वेज आई गेव हर ब्राइनिया 1 mg सिंगल डोज। सो वाई आई गेव हर ब्राइनिया, बिकॉज ऑफ सिंपल थिंग्स। फर्स्टली शी वॉज कॉन्स्टिपेटेड, बट देन दूसरी चीज़ वॉज कि शी सेड कि पानी थर्स्ट वॉज, मतलब जब भी एक्यूट लेना होता है मुझे तो थर्मल थर्स्ट, ये दोनों चीज़ों पे मेरा प्रिस्क्रिप्शन यूजली लाई करता है। तो ये बहुत क्लियर मुझे मिल गया था, लास्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर शॉर्ट इंटरवल पे, शी वॉज थर्स्टी प्लस शी वॉज कॉन्स्टिपेटेड प्लस देर वॉज बिटरनेस ऑल्सो, मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थी नेचर वाइज, बहुत चिड़चिड़ापन, शी डज नॉट वॉन्ट टू आंसर प्रॉपरली। तो ये सारी चीज़ों से मुझे लगा आई शुड गिव अ ब्राइनिया। बहुत सुपरफिशियल, बहुत सिंपल केस है ये, और बिगिनर्स को बिल्कुल ये जानना चाहिए कि अक्यूट्स इज़ वेरी लाइक वेरी डेंजरस ऑल्सो एंड वेरी ईजी एज वेल, क्योंकि जो सिम्टम्स रहते हैं वो बहुत हमको मैक्सिमम टाइम क्लियर कट मिल जाते हैं। सो आई गेव हर ब्राइनिया, और ऐसा दिस इज़ माई नेक्स्ट केस, जो बहुत ही स्टार्टिंग का मेरा जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब का है। दिस इज़ अ केस ऑफ अ 10-year-old गर्ल, जो मेरी नेबर ही थी, जहाँ मेरी क्लिनिक है साइड में ही रहती थी वो। तो शी बाई नेचर शी इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी एक्सट्रोवर्टेड, खुद से आना, बात करना, मेरे साथ बैठना, जब भी टाइम रहता था खेलती थी, हेलो हाय करके शी यूज़ टू गो, और जो मोहल्ला था सभी बच्चों के साथ मिलके खेलना, एंड उसमें मतलब थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं था, वेरी चीयरफुल, अफेक्शनेट, बहुत ही अच्छा नेचर था, बहुत ही प्यारा नेचर था। इंट्रोडक्शन के लिए मतलब खुद से आके मुझसे मिलना और बात करना उसने स्टार्ट किया था। शी वॉज वेरी टॉकेटिव चाइल्ड बाई नेचर। सो ये उसका ग्लिम्स था कॉन्स्टिट्यूशन का। और शी केम टू मे 9th February 2018 फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड शी हैड कफिंग, और लेफ्ट चेस्ट में उसको वीजिंग था अपर और मिडिल लोब में, एंड एल्स चेस्ट वॉज क्लियर। फीवरिश सिंस 2 days विथ माइल्ड फीवर, स्लाइट कफिंग लेफ्ट अपर लोब में भी वीजिंग प्रेजेंट थी, कफिंग एट नाइट, बाउट ऑफ कफ, एंड शी यूज़ टू गेट बाउट ऑफ कफ बट स्लीप वॉज नॉट दैट डिस्टर्ब, शी वॉज चिली एंड शी वॉज शी इज थर्स्टी। सो आई गेव हर फॉस्फोरस सिंगल डोज एंड हाफ ड्रम पिल्स। देन लेटर ऑन she came in Feb, then in April also she came to me with the same complaint, causation drinking of धूप से खेल के आए थे फिर ठंडा पानी पी लिए थे जब से हमारी तबीयत खराब है, wheezing right upper and middle lobe, left middle lobe, weak dark circles around eye which shows that कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, could not sleep due to coughing yesterday evening. Then also I gave her phosphorus 1 mg and 1 gram pills SL, and then she went and this like resolved her. So seasonal wise she used to like fall sick on and off, and then she used phosphorus से वो बहुत अच्छा मतलब ठीक हो जाती थी। तो ये है मतलब दो केसेस जो मैंने देखे थे पल्मोनोलॉजी पे। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले जो केसेस डील करते हैं जहाँ साउंड्स वगैरह बहुत एविडेंट होते हैं, वहाँ हमको फॉलोअप्स बहुत फ्रीक्वेंटली रखने पड़ते हैं।
क्योंकि ये चीज़ें प्रोग्रेस बहुत स्पीड से होती हैं, हमको मेक श्योर करना चाहिए कि जो पेशेंट है वो सेफ्टी सेफ कॉर्नर पे रहे। तो ये सिंपल सिंपल मेडिसिन जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी रहती है, ये हमको बहुत हेल्प करती है। एलन्स की नोट्स जो रहते हैं वो जो पॉलीक्रिस रेमेडीज़ के हैं, स्पेशली जो अक्यूट में यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटिम क्रूड, ब्रायनिया, एलियम सीपा, फॉस्फोरस, ये चीज़ें बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए उसके की नोट्स। ये कॉजेशन पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अक्यूट में कॉजेशन बहुत इजीली मिल जाता है, कॉजेशन को, उसके थर्मल थर्स को, उसके डिस्पोजिशन से आप जब मैच करते हैं देन यू विल रेयरली फेल। आई वुड से 90% ऑफ द टाइम आप जीत जाते हैं, आपका केस जो है वो निकल जाता है। ये आज के लिए इतना काफ़ी था। हम ये पल्मोनोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट टाइम। विल लाइक गो थ्रू एज आई सेड एस्थमेटिक केसेस एंड पैथोलॉजी ऑफ एस्थमा व्हाट इट इज़। ये थोड़ा लेंदी हो गया है, नेक्स्ट टाइम से आई विल मेक श्योर कि थोड़े शॉर्ट रहे लेक्चर्स। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जिनके पास ऐसे केसेस हैं सच एज निमोनिया और बाकी चीज़ें, आई वुड इनवाइट देम टू शेयर देयर केसेस एज वेल, सो दैट कि सोशल मीडिया का हम बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर पाए, और लर्निंग के लिए, ऑब्वियसली लर्निंग के लिए, सो दैट हमारा लेवल इम्प्रूव हो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।